नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पांच सबसे निर्यातक देश, आयातक देश, पांच सबसे ज़्यादा निर्यातक वस्तु और आयातक वस्तु। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। आप लोगों देखा होगा कि कोई या एक देश का नाम पूछ लेता है कि सबसे बड़े निर्यातक देश का नाम बताइए, या आयातक देश का नाम बताइए, या आयातक वस्तु का नाम बताइए। तो आपको इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे। आप लोग तो आप देखेंगे कि शीर्ष पांच आयातक देश कौन कौन से हैं जो इंपोर्ट गुड्स हैं। इंपोर्ट गुड्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पेट्रोलियम जो कच्चा है, जैसे पेट्रोलियम कच्चा का मतलब ये है कि जो तेल आते हैं, तेल है, डीजल, पेट्रोल, ये जिस रूप में यूज होता है वैसा नहीं होता है। उसे पृथ्वी से जब निकाला जाता है तो उसे शोधित किया जाता है। आप देखेंगे बरौनी बिहार में और डिगबोई असम में इसका शोधन कारखाना लगा हुआ है। तो ये कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा मतलब वो कच्चा है, मतलब वो सीधे पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है, वो वाला होता है। फिर उसके बाद शोधित करके तब जाके पेट्रोल में, पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों में भेजा जाता है, जो गाड़ियों में भराया जाता है। तो पेट्रोलियम कच्चा हो गया। दूसरा सोना। दोस्तों, हमारे देश में सोना का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो दूसरे नंबर पे, हमारे देश में इतना सोने की खदान नहीं है और इसलिए आयात इतना ज़्यादा डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे देश में से इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, तो दूसरों देशों से आयात किया जाता है। तो सोना हो गया। ये पेट्रोलियम उत्पाद है। पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद में आप देखेंगे कि वैसलीन हो गया और ग्रीस वगैरह, ये सब चीज़ें भी तेल से बनता है। वही डीजल पेट्रोल चीज़ों से, जैसे चीज़ों से बनता है। और हवाई जहाज चलाने के लिए ओरिजिनल तेल की, ये जो पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंपों जो तेल, डीजल पेट्रोल मिलता है, इससे नहीं चलता है। उसके लिए स्पेशल ये फर्स्ट क्वालिटी का तेल लगता है। तो ये तेल वो वाला तेल होता है जो हवाई जहाज और ग्रीस वगैरह चीज़ों, मोबिल वगैरह में ये यूज होता है, पेट्रोलियम उत्पाद। तो पेट्रोलियम उत्पाद। और फिर उसके बाद मोती और कीमती पत्थरों का आयात किया जाता है। और तीसरे नंबर पे कोयला। दोस्तों, हमारे देश में कोयला की बहुत बड़ी खदान है। आप पढ़ेंगे झारखंड में और उड़ीसा और बांग्लादेश में, वहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत सारी खदानें हैं, लेकिन वो बहुत घटिया क्वालिटी का, जब से थर्ड क्वालिटी का कोयला मिलता है वहाँ पे। तो ओरिजिनल क्वालिटी का, जैसे एंथ्रासाइट है कोयले का एक अयस्क, वो उसमें ज़्यादा कोयले की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो वो हमारे देश में बहुत कम मिलता है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले नंबर पे पेट्रोलियम कच्चा, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती पत्थर और कोयला, ये चीज़ें आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से। आपसे परीक्षा में क्या पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा आयातिक वस्तु का नाम बताइए। तो हो गया पेट्रोलियम कच्चा, पेट्रोलियम हो गया। और अगर ऑर्डर में दे दिया, ऐसे मिलाने के लिए दे दिया, अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो आपसे ऑर्डर दे देता है ऐसे मिलाने के लिए, जिसमें से ऑर्डर से ऑर्डर मिलाइए तो आपको ये ऑर्डर मिलेगा। और जैसे ऑर्डर में ये गायब कर दिया तो 1 2 3 दे दिया, तो आपको 1 2 3 आपको लगाना होगा। उसी तरह दोस्तों, शीर्ष पाँच जो है निर्यातक वस्तुएँ क्या हैं, जो हमारे जो बेचा जाता है अपने देश से, बेचा जाता है दूसरे देशों को, बेचा जाता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट गुड्स। तो उसमें पेट्रोलियम उत्पाद है सबसे पहले नंबर पे। यहाँ भी पेट्रोलियम है और यहाँ भी पेट्रोलियम है। दोस्तों, आपको जानकर अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि हम पेट्रोलियम उत्पाद भारत दूसरे देश से खरीदता है, बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता है। तो दूसरे देश को भी बेचता है, जैसे अपने पड़ोसी देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को बहुत बड़ी मात्रा में तेल निर्यात भी करता है, उसको शोधन करके उनके यहाँ निर्यात भी करता है। इसलिए सबसे पहले नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद जो है कि सबसे आयातक वस्तु क्या है, पेट्रोलियम ही है और पेट्रोलियम यहाँ भी है, लेकिन ये कच्चा है, जो सबसे ज़्यादा कच्चे जो अयस्क के रूप में निकाला जाता है, मतलब जो सीधे पृथ्वी से निकाला जाता है, वो यहाँ पे है। और ये पेट्रोलियम उत्पाद जो है कि शोधित करके दूसरे देशों को जो निर्यात करता है, अपने पड़ोसी देशों को निर्यात करता है। दूसरे नंबर पे मोती और कीमती पत्थर। दोस्तों, इसमें भी मोती और कीमती पत्थर चौथे नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे है, क्योंकि ये जो है कि भारत में नहीं उतना उत्पादन होता है, तो भारत जो है कि दूसरे देशों से खरीदता है, फिर उसे बना के, उसे
अच्छे से निर्माण करके उसको क्या करता है, बेचता भी है। जैसे तेल अपने यहाँ खरीद करके दूसरे यहाँ से खरीद करके फिर बेचता है, उसी तरह ये भी है। फिर लोहा और इस्पात, और फिर ड्रग और बायोलॉजिकल गुड्स जो है, ड्रग्स और इसे ड्रग्स या दवाएं या औषधि कह लीजिए, ड्रग्स या बायोलॉजिकल गुड्स, और या सोना और अन्य कीमती आभूषण। जैसे यहाँ भी आप सोना देखेंगे दूसरे नंबर पे, सोना इसी तरह यहाँ भी है। तो दोस्तों सोना दूसरे देश से आयात किया जाता है और उसका आभूषण वगैरह बना करके दूसरे देश को निर्यात भी किया जाता है। तो आप ये ऑर्डर हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स के बगैर मज़ा नहीं आएगा। आप ये, हम तो ये समझाने के लिए इतने बड़े में बनाए हैं, आप 60 में इसे बना सकते हैं, आप चाहे तो 3 बना सकते हैं, ये 3 बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 3 जरूर जानिएगा। भले ये 5 में जाने लेकिन 3 बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ओनली की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा आयात करने वाली वस्तु कौन है, पेट्रोलियम है। सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वस्तु कौन है, पेट्रोलियम है। सिर्फ वो विकल्पी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर यहीं पे दोस्तों जो है कि आयातक देश अगर पूछते, 5 आयातक देश पूछे जिससे ये 5 इंपोर्ट कंट्री, 5 इंपोर्ट कंट्री, तो दोस्तों ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो भारत इंपोर्ट करता है दूसरे देश से, यानी कि दूसरे देश से खरीदता है, तो वो हो जाएगा चाइना। सबसे पहले नंबर पे आएगा चाइना, दूसरे नंबर पे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसे भी कहते हैं, यूनाइटेड अमीरात, यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ अमीरात, और जो है कि फिर उसके बाद यूएसए, अमेरिका, फिर उसके बाद जो है कि जो सबसे ज़्यादा आयात करता है, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, और नेक्स्ट आता है इराक। दोस्तों यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल यहाँ से आयात किया जाता है, और सब चीज़ें जो है कि आयातक देश जो हैं यहाँ से भारत खरीदता है, इन देशों से, चाइना से, यूएई से, और यूएसए से, सऊदी अरब से, इराक से, सबसे ज़्यादा किसी बाहरी देश से आयात किया जाता है, तो ये देश हैं। आप दोस्त तीन देशों का नाम जरूर जानिए, क्योंकि अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं तो ऐसे ऑर्डर दे देता है कोर्ट में मिलाने के लिए। तो आप 3-5 मत जानिए, 5 अगर जानते तो अच्छी चीज़ है, अगर 5 नहीं जानते तो 3 जरूर जानिए। अगर आप वनडे वगैरह की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी और पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आप सिर्फ चाइना को जान लीजिए, क्योंकि वहाँ एक ही देश का नाम पूछता है ऑप्शन में करके। अगर आप ऐसे इच्छुक हैं जानने के लिए तो आप पाँचों देश का नाम जान सकते हैं। अगर बात करें शीर्ष 5 निर्यातक देशों की, निर्यात जहां भारत निर्यात करता है कंट्री, तो ये हो जाएंगे जिससे भारत सबसे ज़्यादा बेचता है अपने यहाँ से दूसरे देशों को, सबसे ज़्यादा जिससे बेचता है, तो वो पहले नंबर पे आएगा यूएसए, अमेरिका, दूसरे नंबर पे है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरे नंबर पे है चाइना, और चौथे नंबर पे है आपका बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश और हांगकांग, ये देश दोस्तों ये सबसे बड़े एक्सपोर्ट कंट्री हैं जिसे हमारा देश निर्यात करता है। या आप यहाँ देख सकते हैं चाइना, यूएई और यूएसए, 3 ये हो गए और 3 ही उलट गया है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आयात करने की बात आती है तो चाइना से, यूएई से, यूएसए से, सऊदी अरब और इराक से, और वहीं अगर एक्सपोर्ट करने की बात आती है, बेचने की बात आती है, तो सबसे पहले नंबर पर यूएसए, यूएई और चाइना पे। तो दोस्तों ये हमारा सोर्स आप देख सकते हैं, ये आर्थिक समीक्षा जो अभी फरवरी में आया है 2021-22, वहाँ से सोर्स है, ये ओरिजिनल आपका ऑथेंटिक सोर्स है, यही परीक्षा में लिखिएगा दोस्त। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप मैप, आप दीवार पे मैप लगाएंगे या एटलस लिए होंगे, वहाँ से इन देशों का नाम आप वहाँ से देखिए, ऐसे मत रटिए, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन आप
ऐसे नॉर्मली आप जो मैप लगा है वहाँ से खड़े होके पांच देश जो हैं निर्यातक और आयातक देश का नाम आराम से लर्न कीजिए। उस तरह दोस्त याद करना भी मुश्किल होता है, आप इस तरह से नोट्स बनाइएगा। अगर आप उस तरह से ऐसे करके बना देते हैं तो वो भूल जाता है, ये याद करने का सबसे आसान तरीका भी है। और आप और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं, तो आप मैप से याद कीजिए। दीवार में अपने रूम में मैप लगाए होंगे, नहीं होगा तो आप एटलस मैप जरूर रखे होंगे। एटलस मैप से आप उसको सीखिए कि सबसे पहले कहाँ पांच निर्यातक हैं, पांच आयातक हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।